तो अभी अमन निकल रहे हैं घर के लिए और अपडेट आपको देते हैं क्या क्या काम हुआ है। यहाँ पे ये वाली दीवार टूट गई, ये ईंटें वहाँ पहुँच गई, ये फाउंडेशन खुदाई चल रही है, खेत को जाएगा। और ये देखो यहाँ तक, यहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ पे नीचे ईंटें लग गई हैं, तो यहाँ पे गाड़ी हमारी आ जाएगी आसानी से। और इधर दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पे ऊँचा था, इसको थोड़ा लेवल कर लिए हैं, तो इधर से मुड़ने में आसानी रहेगी, गाड़ी अंदर चली जाएगी हमारी, ये पार्किंग बनेगी। तो चलते हैं, फिलहाल अमन को छोड़ देते हैं बस स्टैंड तक, फिर अमन निकल रहे हैं लखनऊ। अब काटो, फुल काटो। किसो अभी ये गांव से निकलने का रास्ता, तो अभी अमन को छोड़ने चल रहे हैं, अमन जाएंगे लखनऊ ऑफिस। ये सामने बस है, उसी से अमन जाएंगे। दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हुई, बड़ी अजीब लग रही है। तो अभी अमन को छोड़ दिए हैं बस स्टैंड पे और घर चल रहे हैं। रास्ते में हमें जो स्नैक प्लांट दिख गया उसको हम लिए चल रहे हैं। स्नैक प्लांट बहुत से लगे हैं, इसे ले लिया। ये वाले जो प्लांट होते हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा उगा लो बड़े बड़े गमलों में, और अपने जिस रूम में लेटते हो उसमें रख लो, तो ये रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। और अगर आप घर में एसी वगैरह लगाए हो तो भी लगा लो, तो इससे मॉइस्चर निकलता रहता है। तो जैसे ये हमने दो तीन ले लिए हैं, पॉलीथीन में रख लिया है, तो इनको लगा के बड़े बड़े कर लेंगे गमलों में, तो फिर इनको रूम में रख लेंगे। तो चलते हैं अभी, घर चल रहे हैं। आज आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं कि कितना खराब हमारे इधर का रास्ता है, इसी वजह से लोग गांव में रहना नहीं चाहते। एक तो रास्ता खराब, दूसरे से नेटवर्क खराब, मतलब रहते तो लोग हैं क्योंकि यहाँ खेत है, घर है उनका सब, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है अगर वो शहर से कनेक्टेड नहीं है, कि पढ़ाई है और मेडिकल मतलब इमरजेंसी वो सारी शहर में सुविधाएँ अच्छी होती हैं, थोड़ा माहौल भी वहाँ मिल जाता है। तो अभी चल रहे हैं खेत को, ये देखो छुट्टी हो गई, सब पढ़ के आ रहे हैं सब लोग, से पहले हम भी जाते थे पढ़ने। तो अभी हम और सालू चल रहे हैं धान लगाने के लिए, खेत में धान लग रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा जो है सालू से भी धान लगवाएंगे, कम से कम पता तो चले कि अनाज कैसे पैदा होता है, कितनी मेहनत लगती है। खेत को चल रहे हैं अभी, तो सालू पहली बार कार में समझ लो बैठ रही है, एक बार और बैठी है लेकिन तब वीडियो नहीं बनाया था हमने। तो गाड़ी खड़ी कर दिया साइड में, रोड के किनारे लगा दिया है, थोड़ा सा बैंक का काम था वो कर लिए हैं। और अभी सालू गई थी कुछ अपना मेकअप वेकअप का सामान लेने, और अभी हमारा बैंक का काम हो गया है, आ गए हैं, तो अभी फ्यूल डलवा लेते हैं। फ्यूल एक डंडी बची है, तो कब किधर चलना पड़ जाए तो डलवा लेते हैं। ये देखो एक डंडी बची है, तो डलवा लेते हैं चल के फ्यूल। और ये इधर सामने हमारी बैंक है SBI। ये देखिए 2300 350 में लगभग फुल हो गई, 2363 रुपया 14 पैसा बंद कर दो भाई। देखो टंकी फुल हो गई बिल्कुल, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है नोजल, अगर ये लगेगा तो कट मार देता है, तो अभी ऊपर पेट्रोल आ गया होगा। तो टंकी फुल हो गई है, सारी डंडियां भर गई हैं, और अभी हम चल रहे हैं खेत को। इधर नहर के किनारे वाला रास्ता बड़ा गड़बड़ है, अभी हम और सालू खेत को आए हुए हैं। हवा काफ़ी तेज चल रही है और आज सालू धान लगा के देखेंगी। तो वैसे तो ये भी गांव से ही हैं, पर थोड़े दिन ज़्यादा शहर में रह लो ना तो गांव का डाटा डिलीट हो जाता है। देखो तो गाड़ी अपनी खड़ी है, तो बाकायदा कार से आए हुए हैं धान लगाने के लिए। धान का सीजन चल रहा,
तो अभी धान लगा लिए हैं, सालू का फर्स्ट एक्सपीरियंस। थोड़े से थे सिर्फ टेस्ट के लिए जो है छुड़वाए थे, तो भी लग गए हैं। और यहाँ से सब्जियाँ ले लेते हैं घर के खाने के लिए, जो कि यहीं पे खेत में लगाई गई हैं, ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं। ये छोटा सा फार्म हाउस बनाया जा रहा है, लोग गांव में रहते हैं और बाकी घर के कुछ लोग यहाँ रहते हैं। सब्जियाँ सालू आज खुद यहाँ से निकाल के ले चलेगी तोड़ के। सालू नींबू तोड़ रही, एक और ले लो। और ये यहाँ पे सोलर हमें खेत में लगाना है, तो उसके लिए राफ्टर पल्लिंग, ये देखिए कुछ पड़ा हुआ, कुछ और लाना है। सोलर यहीं पे लगाएंगे इधर, और उधर हमारी गाड़ी खड़ी है। ये हमने लगाया था वो पेड़ बांस का, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये यहाँ पे आल स्पाइस प्लांट घर पे लगा था, वो सही चल नहीं रहा था, तो खोद के यहाँ पे लगा दिए हैं। होपफुली सही ग्रोथ करेगा ये भी, अभी आगे दिखाएंगे ग्रोथ हो जाएगा तो कैसा कितना बड़ा हो जाएगा। खाने के लिए घुइयाँ निकालती हुई शाम के, ये तो पूरा पेड़ ही निकाल लिए हो, ऐसे पेड़ बर्बाद कर दोगी। तो सालू क्या क्या ले आई हो? रौसा घुइयां पॉलीथीन में लेके आई हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं ये पॉलीथीन को जितनी बार रीयूज कर पाए, वेस्ट जनरेट नहीं करते हैं। बाकी ये देखो मिर्च लगी है, तोड़ लो, यही खाने काम आ जाएगी, बहुत बढ़िया है। इसमें भी ताजी है, इधर मिर्च लगाई गई है, थोड़ा इधर बेचने के लिए लगाई गई, वैसे खाने के लिए उधर लगी थी, वो फसल मतलब नष्ट होने पे आ गई है, तो इधर थोड़ा बेचने के लिए लगाया हुआ है, ताकि यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उनका खर्चा वर्चा निकलता रहे डेली का। अब लोग जाते हैं बाजार को सब्जियां लेने, हम सालू आए हुए हैं खेत को सब्जियां तोड़ने, और अभी घर चलेंगे, शाम हो गई है। देखो जानवर भी हैं, एक ये छोटी पड़िया और दो इधर भैंसे हैं, ये दूध भी देती है भैंस, वो अभी नहीं देती दूध। अब ये भैंसों के लिए चारा, थोड़ा हम चारा इनको खिलाएंगे, ये हमने बोया था, इसको नहीं छोटी खिलाते हैं। दो तीन सब्जी लिए चल रहे हैं, ताकि बार बार खेत आना ना पड़े, सुबह दोपहर शाम का खाना बन जाए। और सालू घास लेने गई है, ये नेपियर ग्रास है, बहुत जल्दी ये बड़ी हो जाती है, इसके अगर कहीं आपको जड़ मिल जाए तो लेके लगा दीजिए, अगर नहीं मिलती है तो कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगी, जो केवीके सेंटर होते वहाँ मिल जाएगी। ये देखो भूखे प्राणी, कच्ची अमरूद बिल्कुल कच्ची है, बहुत अच्छी अच्छी अमरूद लगती है, हम जब खेत आते थे इसी बैठ के तोड़ के खाते थे मस्त। ये इंटरनेट भी बढ़िया चलता है, और ये जगह मतलब हमारे घर वालों को भी अच्छी लग रही, तो इधर देखो क्या बना दिए हैं, पल्ली वल्ली तान दिए हैं, नीचे तखत बढ़िया डाल दिए हैं, यहाँ हवा भी सही लगती है दिन में, तो इधर ही आराम करते हैं, बढ़िया कूलर जैसी हवा आती ठंडी ठंडी। तो अभी धान लगा के घर जा रहे हैं, अब हम चल रहे हैं घर। दातुन लेनी है आपको? दातुन बची ना, यहाँ से नीम की दातुन खेत से हम तोड़ के ले जाते हैं, ये नीम के छड़े हैं, उसका जूस निकाल के पीती हैं, और हम जो है दातुन करते हैं, तो सब पूरा काम में आ जाता है। तो अभी घर चल रहे हैं, कल वाली योजना है, देखो पूरी रास्ता खोद दिए है भाई। तो अभी आ चुके हैं घर फाइनली, और छत पे बैठे हुए हैं, बढ़िया शाम का मौसम है, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, और पढ़ाई में हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशन किताब बिल्ड डोंट टॉक, ये राज समानी एक यूट्यूबर इंस्टाग्रामर हैं, उनकी है लिखी हुई। और एक ये है डू एपिक सिट अंकुर वारिको, ये भी एक यूट्यूबर हैं, इनकी भी किताब मंगाई। थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं लोगों ने, जो भी लाइफ में देखा है सीखा है उसका निचोड़ इन किताबों में लिखा हुआ है। एक ये थिंक स्ट्रेट। अगर आपको ये गाँव वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रेगुलर वीडियो डालने की, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि और आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हो। काफ़ी लोग कह रहे थे गांव का ब्लॉग फिर से थोड़ा सा बनाया, तो हमने कोशिश किया है, और बाकी अभी थोड़ा सा काम में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि अपना सोलर वाला काम है, तो अभी लखनऊ आए हुए हैं, फिर से यहाँ लखनऊ का दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के। बाय बाय।